एवरीवन, तो हम आज इसमें अपना डेली की तरह अपना नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ते हैं और हम आशा करते हैं कि सब बढ़िया होंगे। तुम लोग बढ़िया हैं तो हम भी बढ़िया। चलो, तो कल इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, को बता के जल्दी बताओ। कल का फॉर्मूला ये था कि हाइब्रिड को, हाँ तो कल का फॉर्मूला ये था कि हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले दोनों का क्या करते थे, दोनों करने का मतलब कि सेंट्रल आइटम और उसका जो सराउंडिंग आइटम था उसका क्या करते थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते थे, उसके बाद में सबको जोड़ते थे। लेकिन इससे पहले एक था, क्या बात था कि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हम क्या लेते थे, सात सात लेते थे। ठीक, अब उसके बाद क्या करते थे, टोटल इलेक्ट्रॉन को क्या करते थे, आठ से भाग देते थे। तो जो क्वेश्चेंट आता था वो क्या बताता था, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बताता था, और जो रिमाइंडर आता था उसको फिर दो से भाग देते थे। यानी मान लो जब दो से भाग नहीं लगेगा तो वही बचेगा, और नहीं तो फिर दो से उसको भाग देते थे। जैसे क्या था कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे करते थे, आठ से डिवाइड करते थे, उसके बाद में क्या बचता था, कॉन्स्टेंट बचता था, कॉन्स्टेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर को दो से क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो ये जो बताता था वह क्या बताता था, बॉन्ड पेयर, एंड ये वाला जो बताता था वह क्या बताता था, लोन पेयर। समझ गया? तो इसमें कल कुछ कुछ एग्जांपल दिए थे। एग्जांपल क्या था, पहला क्या था एन सी एच फोर, दूसरा क्या था एन एच थ्री, तीसरा क्या था एच टू ओ, चौथा क्या था, देखो ये सब का बना लिए थे पहले भी। अगला क्या था, एस ओ थ्री, इस तरह से बहुत सारा था। तो इसमें से कौन कौन सा नहीं बना था, क्या था एस एफ फोर, उसके बाद में क्या था सी एल एफ थ्री, उसके बाद में क्या था एक्स सी एफ फोर, एस ओ फोर पर टू माइनस, सी ओ थ्री पर कितना था टू माइनस, और एक दो और क्या था, देखो इसमें से इसका इसका निकाल करके देखो, सबका क्या करना, निकाल करके यहाँ पर लिखो, बताते देखो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर लिख देते हैं बॉन्ड पेयर, और यहाँ पर क्या करना है, लोन पेयर लिखना है, और इसका क्या करना था, हाइब्रिडाइजेशन। यानी इसको ऊपर कर देते हैं, यहाँ पर क्या होगा बॉन्ड पेयर, यहाँ पर क्या जो लोन पेयर। चलो इसको निकाल करके देखो, तो फट से निकाल, ट्राई करो निस करे, देखो जल्दी निकाल करके देखो इसको, नहीं निकालो इसको, नहीं रहने दो, एक दो क्वेश्चन और लिखेंगे अभी। अगला क्वेश्चन और है सी एल ओ फोर पर माइनस, तो फोर पर माइनस क्या हो जाएगा, सी एल ओ फोर पर माइनस, तो इसका निकाल पाएगा। अब देखो क्या करते हैं, निकालते जाते हैं, इसको सही कर लेना, ठीक समझ गया। देखो यहाँ पर मान लो किसका निकालना है, कार्बन का, यानी सी एच फोर का, क्या सी एच फोर, सी एच फोर में किसका देखना, हाइड्रोजन का कितना लेते थे, सात लेते थे, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका, हाइड्रोजन का, और कार्बन का कितना, चार। तो देखो कितना, सेवन प्लस फोर गुना यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, चार है, यानी सात चौक अट्ठाईस, सौ चार कितना हुआ, थर्टी टू, थर्टी टू को एट से डिवाइड करते थे, कितना आ गया, चार। यानी यह क्या बताता है, चार, इसमें तो बॉन्ड पेयर होता है जीरो लोन पेयर एस पी थ्री, समझ गया। अब आता है किसका, एन एच थ्री का, किसका आता है एन एच थ्री में, देखना एन एच थ्री का कितना हो जाएगा, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, फाइव, हाइड्रोजन का वन इंटू सेवन इंटू थ्री कितना हो गया, सत इक्कीस और पाँच कितना हुआ, छब्बीस, छब्बीस को कितना से डिवाइड करेंगे, एट से, कितना बार में जाएगा, तीन बार में जाएगा, दो, और रिमाइंडर जो बचता था, यानी यह क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया, ये जो रिमाइंडर बच गया यानी शेषफल, तो शेषफल को क्या करते थे, दो से फिर डिवाइड करते थे, क्या आ गया, एक आ जाएगा। यानी यह जो दर्शाता वह कितना दर्शाता, यानी ये वाला क्या दर्शाया, बॉन्ड पेयर, थ्री बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, क्या आ गया, एक लोन पेयर आ गया। यानी कहने का मतलब एस पी
थ्री आ गया। यानी इसका भी थ्री है, इसका भी एस पी थ्री, इसका भी एस पी थ्री, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है किसके कारण, लोन पेयर के कारण। अगला देखना यहाँ पर एस टू ओ, एस टू ओ का फिर क्या होगा, यानी ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, छः प्लस दो हाइड्रोजन है तो कितना होगा, टू इंटू सेवन, सात दूनी चौदह कितना हुआ, बीस को कितना से डिवाइड करेंगे, एट से, कितना बार में जाएगा, सोलह बार, यानी सोलह जाएगा कितना बार में, दो बार में, आठ दूनी सोलह बच गया, कितना हालांकि कहा करता बंद करो डे, चार बज गया। अब चार रिमाइंडर को क्या करते थे, फिर से डिवाइड करते थे किससे, दो से, तो कितना बार में जाएगा, दो बार, दो बार में यानी चार आ जाएगा, चार बचा। अब दो से डिवाइड करेंगे, मान लो इसको दो से डिवाइड करेंगे तो कितना बचा, दो बच गया। तो जो यह दर्शाता है वह कितना दर्शाता है, दो तो क्या दर्शाया, बोन पेयर, और दो क्या दर्शाया, लोन पेयर। समझ गया, समझ रहा राहुल, इसमें देखो एसओ थ्री में सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सिक्स होता है, सिक्स प्लस ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सिक्स, तो ऑक्सीजन कितना है, थ्री इंटू सिक्स कितना हो जाएगा, छत्तीस अठारह कितना होगा, चौबीस, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर को किससे डिवाइड करेंगे, एट से, आठ दिया चौबीस कितना हुआ, कट गया। यानी यह क्या दर्शाता है, डायरेक्ट थ्री का थ्री बॉन्ड पेयर दर्शाता है, जीरो लोन पेयर। समझ गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, दो और दो चार, एस पी थ्री, इसका क्या हो जाएगा, एस पी टू। समझ गया। अगला देखो एस एफ फोर का सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका सेवन इंटू कितना होगा, सात चौक अट्ठाईस और छः कितना होगा, थर्टी फोर हो जाएगा, डिवाइड करेंगे किससे, एट से, कितना बार में जाएगा, आठ चौक बत्तीस, थर्टी टू कितना बचा, दो। अब दो को फिर से डिवाइड करते थे किससे, दो से, एक, कितना बचेगा, एक बचेगा, यानी कितना आ गया, आठ, आठ चौक बत्तीस और एक इधर बच गया था, तो फोर वन क्या हो जाएगा, एस पी थ्री डी, तीन चार एक पाँच। अब यहाँ पर देखना इसका सी एल एफ थ्री का वही होगा, सी एल एफ थ्री का क्या होगा, इसका भी सेवन होगा प्लस सेवन इंटू थ्री, सत्या इक्कीस और सात कितना होगा, अट्ठाईस हो जाएगा। फिर से इसको क्या करेंगे, एट से डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा, थ्री बार में जाएगा, थ्री आ गया, चार बचा इसका, चार को फिर से दो से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, दो बार में, यानी थ्री बॉन्ड पेयर प्लस टू लोन पेयर क्या हो जाएगा, तीन दो पाँच, एस पी थ्री डी। समझ गया। जेनोन का देखो क्या लिखा है, एक्स ई एफ फोर में जेनोन का कितना होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन में, आठ होता है, आठ लिखते हैं प्लस सेवन इंटू फोर कितना हो गया, सात चौक अट्ठाईस और आठ कितना होगा, छत्तीस, थर्टी सिक्स, यानी कैसे जाएगा, आठ बार में, आठ चौक बत्तीस, थर्टी टू आ गया, चार फिर से दो से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, दो बार में, यानी फोर बॉन्ड पेयर प्लस टू लोन पेयर। देखना यहाँ पर कैसे होता है, सो देखना यहाँ पर जनरल का कैसे, मान लो कि इसको देखना कैसे दर्शाते हैं, मान लो जनरल के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहता है बैलेंस में, आठ को रहता है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ हो गया। अब फ्लोरीन देखना, फ्लोरीन यहाँ पर कितना है, चार गो है, तो चार गो मान लो, चार गो तो चार बोन बनाएगा, तो चार गो यानी ऐसे कर देते, एक दो तीन चार, मान लो चार गो बना लिया कितना बच गया, एक दो तीन चार, फोर इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो गया, दो लोन पेयर, तो दो लोन पेयर यहाँ पर दिख रहा है। इसको लिखते जाओ, मटाएंगे तुरंत। चार दो कितना हो गया, छः, यानी एस पी थ्री, तीन चार डी टू। देखना है यहाँ पर ये वाला, इसमें क्या करेंगे, अब देखो आप एक चीज़ समझ लो, एक वाला देख लो, एगो उसके बाद में लिखना, ठीक।
क्या चीज़ है, SO4 फोर पर टू माइनस, SO4 फोर पर टू माइनस, तो इसको कैसे लिखेंगे? टू माइनस कहने का मतलब क्या कि इसके पास इलेक्ट्रॉन आया कहीं दूसरी जगह से, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, छः प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, छः इंटू फोर, आप दो इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो दो इलेक्ट्रॉन किसी से लिया, नेगेटिव चार्ज जाने उसमें क्या है, दो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है, तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा, कितना आ गया, छः प्लस चौबीस प्लस दो कितना हुआ, चौबीस और छः कितना हुआ, तीस और दो बत्तीस, आठ चक बत्तीस, आने डायरेक्ट क्या हो गया, चार हो गया, सात से गुना करते थे, कहाँ पर हाइड्रोजन को सात से गुना करते थे, अब इसका देखो CO3 2- माइनस का इसका निकाल करके देखो CO3 2- माइनस का किसका, SP3 रोकेगा तो रुक, तो लिखना पड़ेगा, देखो इसमें CO3 2- माइनस, ये हल नहीं करना, ये वाला है, क्या करेंगे सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, इसका कितना था बैलेंस इलेक्ट्रॉन, छः चार होता है ना, ठीक, चार प्लस कितना जाएगा ऑक्सीजन का, छः इंटू थ्री प्लस दो कितना हुआ, चार प्लस अठारह प्लस दो बीस और चार चौबीस, आठ आठ तीय चौबीस, कितना बॉन्ड पेयर कितना बच गया, इसमें बॉन्ड पेयर कितना आ गया, तीन बस, तो डायरेक्ट इसका बॉन्ड पेयर तीन हो गया, लोन पेयर इसका जीरो, क्या सेसफल नहीं बचा है। सी एल ओ फोर पर देखो, सी एल ओ फोर पर माइनस देखो, सेवन प्लस फोर इंटू सिक्स, सिक्स प्लस वन कितना हो जाएगा, छः चक चौबीस, एक पच्चीस और सात कितना हुआ, थर्टी टू, आठ आठ चौबीस आने, हाँ आठ आठ चौक बत्तीस, आठ चौबीस होता है। अब अगला देखो, समझ गया बोला, भागा होगा देख करके खुद निकाल लेना, ठीक, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसमें क्या देखने वाले हैं, हो गया, हाँ कहाँ, तो नहीं लिखा, मिट गया पूरा, अब बना लेना उसको, खुद से बना लेना, ठीक, तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखो एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन रिपल्सन थ्योरी। एप्लीकेशन करने का मतलब वो एप्लीकेशन नहीं होता कि जो चार दिन का छुट्टी मिल जाए, समझ गया, एप्लीकेशन में देखेंगे कि उसका उज हम अब क्या करेंगे, जो हम लोग बैलेंस सेल पढ़े तो उसका उज हम लोग कैसे करेंगे, सो समझ गया, तो ए मोलो रख दो रे, कहाँ अग बका रहा है, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, अब हम लोग इसके सहारे से क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन तो निकालना सीख गया, अब इसके सहारे से हम लोग देखेंगे आगे कि जितना भी सारा मॉलिक्यूल होता है तो उसका जो रिपल्सन के कारण बॉन्ड एंगल चेंज होता है वो सबको हम देखेंगे, उसका नामकरण देखेंगे कि किसका क्या होता है सब। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, पहला पॉइंट में इसमें क्या बात रहेगा बताते, पहला पॉइंट में इसमें क्या रहेगा कि जो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन किसका, सेंट्रल आइटम का और उसके चारों जो आइटम्स रहेगा उसका। दूसरा में क्या करेंगे, दूसरा में ज्योमेट्री लिखेंगे किसके द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। तीसरा में क्या करेंगे, जो लोन पेयर रहेगा उसको क्या करेंगे, मिनिमम रिपल्सन पोजीशन में रखेंगे यानी जहाँ पर कम रिपल्सन करेगा, और हाइब्रिड क्या और ज्योमेट्री में उसको काउंट नहीं करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ
सेंट्रल एटम। दूसरा क्या करेंगे, मेक द सेम ज्योमेट्री बाय द हाइब्रिडाइजेशन। पहला क्या आ गया देखो इधर, नहीं लिख रहे, तो हम लिख रहे थे, तुमने लिखेगा पहले आप लिखेंगे तब हम पीछे नीचे लिखेंगे। उसके बाद में इसमें क्या हो जाएगा, इंक भी खत्म हो जाता बार बार। अब इसमें जो क्या करेंगे थर्ड नंबर में कि जो लोन पेयर रहेगा उसको क्या करेंगे, मिनिमम रिपल्सन पोजीशन में रखेंगे, यानी प्लेस द लोन पेयर इन मिनिमम रिपल्सन पोजीशन एंड देन डोंट काउंट लोन पेयर इन ज्योमेट्री दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड एक्चुअल ज्योमेट्री। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर एक बात समझ लो, इधर देखो क्या लिखा कि कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल आइटम, यानी इसका एप्लीकेशन को यूज करने के लिए क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को सेंट्रल आइटम वाला हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे, यानी कुल कहने का मतलब क्या हो कि हाइब्रिडाइजेशन को इसमें निकालेंगे, समझ गया। दूसरा पॉइंट में क्या कि मेक द सेम ज्योमेट्री बाय द हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिडाइजेशन जो निकलेगा पहला में तो निकालेंगे, दूसरा में जो निकाल रहेगा उसके हिसाब से उसको बंद कर देना, स्टॉप कर देना, अपलोड होगा। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि मेक द सेम ज्योमेट्री बाय द हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जो ज्योमेट्री रहेगा उसका क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से उसका ज्योमेट्री को हम लिखेंगे, समझ गया। जो हाइब्रिडाइजेशन निकाला हुआ रहेगा उसके हिसाब से इसका ज्योमेट्री को लिखेंगे। कहने का मतलब कि SP3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आता था, यानी CH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आता था, SP3 आता था, तो उसके हिसाब से उसका जो हाइब्रिडाइजेशन यानी ज्योमेट्री जो होता था वो कैसे होता था, टेट्राहेड्रल होता था। सोच पा रहा कि नहीं राहुल, हमको शक लग रहा है। SP3 यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल चार गो रहेगा, इधर देखो ए, यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल चार गो रहेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, SP3। अब SP3 में यदि हम CH4 का देखेंगे तो उसका ज्योमेट्री क्या होगा, CH4 का SP3 होगा CH4 का, तो उसका ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। क्या होगा, टेट्राहेड्रल। तो फिर कहने याद आता है, हो गया। अब देखना इसका बात आता है कि अभी समझ में आ जाएगा, यार देखो क्या होगा, देखो सर कि प्लेस द लोन पेयर इन मिनिमम रिपल्सन पोजीशन, यानी लोन पेयर को जब हम लिखेंगे, जो लोन पेयर बचता था अभी देखा ना कि इस साल में जो लोन पेयर बच रहा था, तो लोन पेयर को हम वैसे लिखेंगे जहाँ पर रिपल्सन कम होगा, यानी खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा कि मिनिमम रिपल्सन पोजीशन कहाँ पर कम होगा। अगला पॉइंट में पोजीशन, देन डोंट काउंट लोन पेयर। दूसरा बात आता है कि जब हम ज्योमेट्री लिखते हैं तो ज्योमेट्री में लोन पेयर को हम काउंट नहीं करते। हम पहले भी बताए थे कि शेप वाला में क्या करते, ज्योमेट्री प्लस लोन पेयर दोनों होता था, बोन पेयर प्लस लोन पेयर शेप में दोनों होता था और क्या होता था, और ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते थे। नहीं समझ रहा है, फिर से समझना, आग बकाना नहीं, फिर से बोल रहे हैं देखो, ए हलो नहीं करना, ज्योमेट्री एंड शेप, इस तरह का पॉइंट कहीं लिखाए थे, कहाँ लिखाए थे, पीछे करो, हाँ उधर देखो, ज्योमेट्री शेप लिखे,
तो ज्योमेट्री में हम क्या बताए थे कि सिर्फ इसमें बॉन्ड पेयर काउंट करते थे, इसमें गलत लिखा है तुम, चलो अभी समझ में आ जाएगा। और उसको क्या कहते थे, दिस ज्योमेट्री इज ऑल्सो कॉल्ड एक्चुअल ज्योमेट्री, यानी कहने का मतलब जो ज्योमेट्री आता है उसको हम एक्चुअल ज्योमेट्री कहते हैं। अब आप देखना एग्जांपल हम देते हैं, अब समझ में आ जाएगा, कन्फ्यूज नहीं होना। एक नंबर में क्या था जो हाइब्रिडाइजेशन निकालते थे, भी सिखाए थे, एक नंबर में वही करना है। दूसरा नंबर में क्या करना है, हाँ हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से ज्योमेट्री इसका लिखना है। तीसरा नंबर में क्या करना है, जो इधर लोन पेयर बचता था उस लोन पेयर को वैसे जगह पर रखेंगे जो कम से कम दूसरे के साथ रिपल्सन करेगा, जैसे NH3 था तो इसका लोन पेयर को हम ऐसे लिखते थे, लोन पेयर यहाँ रहता था तो इसके और इसके बीच में दूरी बहुत ज़्यादा हो गया तो रिपल्सन क्या करेगा, ज़्यादा करेगा कि कम करेगा, दूरी ज़्यादा होगी तो कम करेगा। तो वही बात है कि लोन पेयर को हम वैसे जगह में रखेंगे जहाँ पर कम रिपल्सन करेगा, मिनिमम रिपल्सन, देख रहे समझा आप, फिर से बोलना पड़ेगा। अब देखो इसका कहाँ के मिटाने वाला, इसको लिख लिया ही बोला, इसको लिखो तब तक आगे देखते हैं। सेकंड लाइन वाला लिख लिया था, अब यहाँ पर देखना एक चीज़ कि अब हम आगे देखते हैं कि इसका अब सबका सब क्या करेंगे, एग्जांपल लेते जाएंगे और सबका सब क्या देखेंगे सेफ ज्योमेट्री वो सब कैसे होते हैं। सो तो सबसे पहले क्या आता है, जब भी हम ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं तो SP से स्टार्ट करते हैं, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल मिनिमम कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। तो देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल यदि दो रहेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, SP होता है, SP होता है, ठीक। यानी एक नंबर में क्या देखते हैं, एक नंबर में कि यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल दो रहेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, SP होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन। जैसे जैसे हम लिखते जा रहे हैं वैसे वैसे लिखते जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाँ बस जैसे यहाँ पर छपा रहेगा वैसे उतार देना कॉपी में पूरा, हाँ तो बस उसी तरह काट देना डायरेक्ट। अगला देखो इसमें एग्जांपल देखते हैं, सबसे पहले किसमें आता है, अब तुम्हें से इसका एग्जांपल पहले पूछ लेते हैं, SP हाइब्रिडाइजेशन वाला कोई एग्जांपल दो तो, हाँ जो इससे पहले लिखा था SP हाइब्रिडाइजेशन वाला, SP हाइब्रिडाइजेशन जो बनाएगा, SP हाइब्रिडाइजेशन के कैसे बनते हैं लीनियर, तो उसका कोई एग्जांपल दो एक, BeCl2 होता है, समझ गया। इसका यदि हम क्या करते हाइब्रिडाइजेशन निकालते तो कितना आएगा, 2 आएगा, SP2 आएगा, कहने का मतलब SP हो जाएगा इसका। तो इसका शेप कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, लीनियर। इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी लीनियर ज्योमेट्री। इसका ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, समझ रहे रे, समझा। अगला यदि हम देखना चाहेंगे अगला देखो इसमें केस नंबर दो में, यानी दूसरा नंबर में यदि देखना चाहेंगे तो क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल यदि 3 रहेगा तो क्या होगा, SP2 होगा, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट हो जाएगा भाई, हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा। अब इसमें देखो इसका क्या, इसका एक एग्जांपल दो तो, इसका
अरे हैबिट ऑर्बिटल तीन को होना चाहिए, उसका हैबिट एस एन एस पी टू होना चाहिए। तो इस तरह के एग्जांपल को दो, पिरामिडल बाद में आता है, उसका हैबिट एस एन चार हो जाता है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका एस ओ थ्री हो जाएगा। एक और एग्जांपल क्या हो जाएगा, बी सी एल थ्री। समझ गया, क्या हुआ ओ थ्री कैसे होगा, ओ थ्री इसमें नहीं आएगा। इसका यदि हम देखना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, इसका बी का सी एल सी एल सी एल बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एस पी थ्री। क्या हो जाएगा इसका ट्रिगोनल प्लेनर। समझ गया, एस ओ थ्री का भी क्या बनेगा, इसी तरह बनेगा। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। समझ गया ये वाला। अगला मिटा है, अगला ये अगला देखो, यदि अगला हाइब्रिडाइजेशन कितना रहेगा, एस पी थ्री रहेगा। तब मान लो कि फोर में क्या रहेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना रहना चाहिए, फोर। क्या हो जाएगा एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन। समझ गया, अब यदि हम इसमें देखना चाहेंगे तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल कौन सा आता है, केस वन में। केस वन में क्या लेंगे, यदि चारों का चारों क्या रहेगा, चारों का चारों बॉन्ड पेयर रहेगा, तब जैसे कि फोर बॉन्ड पेयर प्लस जीरो लोन पेयर। यानी इसमें क्या हो जाएगा, फोर बॉन्ड पेयर में पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा, सी एच फोर आ जाएगा इसका। क्या होगा, एस एफ फोर वाला भी नहीं होगा। एस एफ फोर में कैसे होगा, एस एफ फोर वाला आगे देखेंगे। उसमें क्या होता है, चार को बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर आ जाता है। तो ज़्यादा वो किस में चल जाता है, अगला वाला में, पांच वाला में। इसमें देखो क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए, एस पी थ्री। एस पी थ्री में इसमें लोन पेयर कितना दिख रहा है, नहीं इसमें लोन पेयर। तो इसका जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। यानी कहने का मतलब एस पी थ्री हो गया बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। समझ गया, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल हो गया। अगला यदि हम इसमें देखना चाहेंगे केस टू में, केस नंबर टू में हम क्या देखेंगे, अब जो हाइब्रिडाइजेशन आता था किसका, सी एस फोर का, वही हाइब्रिडाइजेशन किसका आता था, एन एस थ्री का, और वही हाइब्रिडाइजेशन किसका आता था, एस टू ओ का। तो जबकि उसमें तो लोन पेयर दिख रहा है, तब इसमें क्या हो जाएगा कि केस नंबर वन में देखेंगे क्या चीज़, थ्री बॉन्ड पेयर प्लस वन लोन पेयर। क्या हो गया, अब इसमें देखें तीन गो बॉन्ड पेयर रहेगा और इसमें क्या रहेगा, एक गो लोन पेयर रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके लिए तीन गो बॉन्ड पेयर हो गया, इसका जो लोन पेयर होगा वो कहाँ पर हो जाएगा, इस जगह में हो जाएगा। इसका सेप यानी इसका यदि ज्योमेट्री देखना चाहेंगे तो क्या हो जाता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। और इसका सेप देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, पैरामिडल, पैरामिडल हो जाएगा इसका। समझ गया, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, लोन पेयर के कारण इसका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री हो जाता है। समझ गया, इसी तरह से केस लिखा ही वाला, तुम लिख नहीं रहे, अरे इससे पहले वाला बताया, इसको कहाँ लिखा, ज़्यादा समझ रहा है कि, अरे तुम ज़्यादा नहीं समझना, जितने समझा रहे उतने समझो, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
लो रोक दो, रोक दे लिखने दो। इसमें अगला क्वेश्चन में देखो, आप यहाँ पर किस में, केस टू में देखें, केस थ्री में आप लोग देख रहे हैं। केस थ्री में क्या रहेगा, टू बॉन्ड पेयर प्लस टू लोन पेयर, इसमें कौन सा एग्जांपल आ जाएगा, एस टू ओ का, समझ गया। तो एस टू ओ का कैसे बनेगा, वो रहेगा ऐसे, एक एच ऐसे रहेगा, एक एच ऐसे रहेगा, एक लोन पेयर ऐसे, एक लोन पेयर ऐसे, क्या हो जाएगा बेंट शेप। दूसरा भी या फिर एंगुलर एस पी थ्री, समझ गया। तो अब इसको क्या करना, अच्छा से लिख लेना, और आज क्लास को क्या करते हैं, यहीं पर रोक देते हैं।